मत्सर, ईर्ष्या अगर अपने माहौल में इतनी व्यापक न होती, संवेदनशील कलाकार के लिए इतनी बर्दाश्त के बाहर असह्य, तो अच्छा होता। प्रत्यक्ष जीवन माहौल में कुछ अनुकूलता, थोड़ा प्रोत्साहन, कुछ खुले दरवाजे, संपन्न होने के समुचित अवसर, फिर शायद मुकुल प्रत्यक्ष जीवन से इस कदर न रूठते। होती जमाने में मनाने की चाह, पर छोड़िए फिलहाल प्रतिकूल वातावरण जमाने की, जिसमें मुश्किल है गुजारा निर्वाह ऐसे कलाकार का जो दुनियादारी के दांव पेंच में ना ही माहिर है और ना माहिर होने की इच्छा रखता है। है महत्वपूर्ण, पर प्रत्यक्ष जीवन ही सब कुछ नहीं। ना जमाना सुने तो संगीत असंगत निरर्थक नहीं हो जाता। शिकायत उलहनों से जरा परे, अब मुकुल की नजर उस मंजिल पर है जहां साधक अपने को स्वयं में संपन्न पाता है। वह मंजिल जिसका कबीर वर्णन करते हैं इस निर्गुण में जिसे मुकुल गा रहे हैं, कितनी समझ से, हम ही सिद्ध समाधि हम ही, हम मौनी हम बोले, रूप स्वरूप अरूप दिखा के हम ही में हम तो खेले। कह कबीर सुनो भाई साधो, ना ही ना कोई इच्छा, अपनी मढ़ी में आप मैं डोलूं, खेलूं सहज स्व इच्छा।